हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए अपने बॉडी को कैसे प्रोटेक्शन मिलता है बैक्टीरिया से, वायरस से, या कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। इसके बारे में हम इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो इससे क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। उसके बाद से यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे कि पार्ट वन पार्ट टू करके एक एक करके बेसिक से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर आप बने रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन इसका, समझते हैं। एन इम्यून इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडी, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ईटीसी, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, हमारे बॉडी को बाहर से जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बॉडी हो गया, जैसे कि आपको बताया कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई या कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, उसको बचाने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे, और अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट उसमें टाइप्स के हम क्या देखेंगे, सेल का देखेंगे, ठीक है ना। डिफेंस मैकेनिज्म को हमारे करने वाले कौन कौन सी सेल होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आज के जो लेक्चर है इसमें हम बेसिक चीजों पे हम बात करने वाले, ठीक है। सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है, ठीक है। तो अपना इम्यून सिस्टम क्या करता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या कोई वायरस हो गया, तो उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या है, हमने इम्यून सिस्टम बनाया, ठीक है ना। अब समझते हैं ये दो जो इसमें हम लिखे हैं वर्ड लिखे हैं टर्मिनोलॉजी, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। यह एंटीजन और एंटीबॉडी समझना बहुत जरूरी है, इसको अगर आप समझ गए अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से ये जो इम्यून सिस्टम जो है टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एंटीजन हम समझते हैं, एनी फॉरेन पार्टिकल्स कम इन टू आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट आवर इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। एंटीजन जब भी आपको सुनने में याद आए तो आप समझने कि एंटीजन जो है वो बाहरी की चीज है। अपने बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कोई भी पैथोजन जब आपके बॉडी में जब क्या होता है कि एंटर करता है ना, तो वो अपना जो बॉडी है उसको फॉरेन पार्टिकल समझते हैं। फॉरेन का मतलब कि बाहरी की चीज है, ठीक है, क्या बाहरी की चीज है, ठीक है ना। तो फॉरेन पार्टिकल्स को अपना बॉडी जो क्या है अपना, उसको एंटीजन समझता है, ठीक है ना। अब समझिए कोई भी एंटीजन क्या है कि अपने बॉडी में अगर आता है तो वो क्या करता है, अपने बॉडी को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब कि ट्रिगर करना या उत्तेजित करना, ठीक है, उत्तेजित करना। वो किसके लिए करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है कि वो स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट जब इम्यून सिस्टम को करेगा ना, तो वहां पे अपना क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम को क्या करेगा कि स्टिमुलेट करेगा, और किसके खिलाफ में करेगा, एंटीजन के, ठीक है ना, एंटीजन के खिलाफ में करेगा। और एंटीजन के खिलाफ में करने के बाद से अपने बॉडी में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है ना। फिर से इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। एंटीजन ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा चीज है, पार्टिकल से, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल से, हमारे बॉडी से बाहर की चीजें है, ठीक है। वो अपने बॉडी में आएगा और इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होने या स्टिमुलेट होने का मतलब है कि अपना जो बॉडी है पूरी कोशिश कर रहा है किसको, एंटीजन को मारने के लिए। एंटीजन क्या है, अपने लिए दुश्मन का काम करता है, ठीक है, यह क्या है, दुश्मन है एंटीजन। और एंटीबॉडी जो है अपना प्रोटेक्शन के लिए, ये हमारा दोस्त है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एंटीबॉडी जो है वो हमारा दोस्त है, हमको प्रोटेक्शन करने वाला है, लेकिन जो एंटीजन है वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, ये बाहरी की चीज है। और एंटीबॉडी जो है वो अपने बॉडी के अंदर रहता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, किस तीन चीजों से, पैरासाइट हो, फंगाई हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, जो आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया आप जिसको समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट है एंटीबॉडीज, ठीक है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। एंटीजन के खिलाफ में काम करने वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी
समझेंगे, ठीक है, एंटीबॉडी बोलेंगे उसको। अब समझिए दोनों में डिफरेंस एक बार समझिए। एंटीजन जो है वो बाहर की चीजें है, अपने बॉडी से बाहर की हम बात कर रहे हैं। एंटीबॉडी जो आपको कहें तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है। एंटीजन को समझे तो एंटीजन हमारा क्या है, दुश्मन है, मतलब कि हमारे बॉडी में जाएगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। एंटीबॉडी समझे तो एंटीबॉडी का मतलब कि हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए किसके खिलाफ में काम करेगा, एंटीजन के खिलाफ में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के और एक और आपको एग्जाम्पल समझते हैं, आपने देखा था कोरोना वायरस को, ठीक, कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी ये क्या थी, पेंडेमिक थी। जब कोरोना वायरस आया था, यह कोरोना बाहर से आया, ठीक है, और बाहर से आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे, ठीक है ना। एंटीजन को हम शॉर्टकट में हम एजी लिखते हैं ऐसा, ठीक है, इसको हम क्या समझेंगे, एंटीजन समझेंगे। लेकिन ये जब हमारे बॉडी में आया तो अपने बॉडी को क्या किया, ये इन्फेक्शन कॉज किया, ठीक है ना। और इन्फेक्शन कॉज किया ना तो इसके खिलाफ में हमारे बॉडी ने क्या बना लिया, एंटीबॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी ने क्या बना लिया, ये एंटीबॉडी बना लिया, ठीक है ना। कोरोना क्या था, एंटीजन था, जो कि हम इसको हम एंटीजन को क्या हम मान रहे हैं, दुश्मन मान रहे हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी अपना फ्रेंड है, अपना दोस्त है, मतलब कि अपने अंदर की चीजें है, ठीक है, अपना अंदर का ये सेल है, ठीक है। क्या काम करता है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, एंटीजन से। और एंटीजन समझे तो कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या कॉज करने की वो केपेबल रखता है, ठीक है। या एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। आपको अगर ज्यादा अगर इससे भी अगर ज्यादा आपको याद नहीं रहे, आप इन दो चीजों से जरूर याद रखिएगा। एंटीजन मतलब कि बाहर की चीज है और एंटीबॉडी मतलब कि अपने बॉडी के, एंटीजन बोले तो दो, एंटीजन बोले तो दुश्मन और एंटीबॉडी बोले तो फ्रेंड, ठीक है। या दोनों चीज को समझ गए तो आपको आगे की जो प्रक्रिया है बहुत आपको आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या समझे, इम्यून सिस्टम क्या होता है, अपने बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, किन चीजों से प्रोटेक्शन देता है, एंटीजन से। एंटीजन क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले लीजिए, वायरस या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो, जो अपने बॉडी में जाएगा, अपने बॉडी में क्या करेगा, बीमारी कॉज करेगा, और बीमारी से बचाने वाला, उसको मारने वाला कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि वो क्या है, दुश्मन है, दुश्मन है, ठीक है। और दुश्मन को मारने वाला कौन चीज है अपने बॉडी में, एंटीबॉडी बना हुआ है, ठीक है। यह इतनी पॉइंट जो है वो क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इम्यून सिस्टम की तो हमने बात कर ली है। इम्यून सिस्टम में ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है या उसको अल्टर कर सकता है, ठीक है, या उसको हम समझे तो डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। उसको हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी ऐसी फैक्टर है उसको हम समझते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पुअर डाइट, ठीक है। पुअर डाइट कैसे अफेक्ट करेगा, आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे जरूर कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, प्रोटीन आप अच्छे डाइट नहीं ले रहे हैं जिसमें रिच प्रोटीन डाइट हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन होगा। कोविड में आपने अक्सर सुना होगा कि इम्यून को बूस्ट करने के लिए अच्छा डाइट लेना जरूरी है, प्रोटीन रिच डाइट लेना जरूरी है, या विटामिन भी रहना अपने बॉडी में जरूरी है, जैसे कि विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव का काम करता है, विटामिन सी भी जो कि अपने इन्फेक्शन से लड़ने के या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में काम करता है, ठीक है। तो अगर आप पुअर डाइट लेते हैं, डाइट अगर अच्छा नहीं है तो ये क्या होगा कि अपना इम्यून सिस्टम जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने वाला ये क्या हुआ, फैक्टर हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पुअर डाइट हो गया, समझ गए आप। उसके बाद समझते हैं क्रोनिक स्ट्रेस, ठीक है ना। अगर लंबे टाइम तक आप क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो क्या होता है कि अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस आया है तो स्ट्रेस रिलेटेड किससे है, साइकोलॉजी से, ठीक है ना। तो थोड़ी सी साइकोलॉजी की यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। इम्यून सिस्टम जो है, या हम कहें डिफेंस मैकेनिज्म,
डिफेंस मैकेनिज्म ये एनाटॉमी या माइक्रोबायोलॉजी में या अपने बॉडी के सिस्टम में जो पढ़ते हैं वो एक जो अभी हम अपन पढ़ रहे हैं जो कि बैक्टीरिया वायरस या फंगाई को मारने के लिए इम्यून सिस्टम है या डिफेंस मैकेनिज्म। एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है साइकोलॉजी या साइकेट्रिक में आप पढ़ोगे। अपने बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है वो तो ये है, और जो अपने बॉडी से जो बाहर डिफेंस मैकेनिज्म हम करते हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, ठीक है, आपको कोई टीचर्स क्या देता है, होमवर्क देता है या असाइनमेंट लिखते हैं, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में असाइनमेंट के नाम पे स्टूडेंट बहुत पीछे भागते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं। अगर आपको टीचर ने कहा है कि असाइनमेंट कंप्लीट करके आना है और आपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया और आप चल गए, ठीक है, अब टीचर आपको पूछे कि असाइनमेंट लाइए, और आपने बोला कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि हमको असाइनमेंट बनाना था, या आप कोई ऐसी बहाना बना रहे हैं कि हमारे जो जहाँ पर रहते हैं हमारे रूम में लाइट नहीं था या हमारे जो है तबीयत खराब हो गई थी तो हमने किसी कारणवश हम असाइनमेंट को नहीं बनाया, आप कोई भी एक्सक्यूज बना रहे हैं या बहाना बना रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी एक तरह से हम बचने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम एक्चुअल सच्चाई बता देंगे अपने टीचर को तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो हम अपने आप को बचने के लिए क्या बोलते हैं, कोई बहाना बनाते हैं, तो अपने बहाना बना रहे हैं लेकिन अपने आप को बचने के लिए, तो वहां भी डिफेंस मैकेनिज्म हम कर रहे हैं लेकिन अपने बॉडी से बाहर की चीजें के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं ये हमारे बॉडी के अंदर की बात, क्यों, अब जैसा कि आपको बताया था एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है, तो आप ये समझ गए कि जो अपने बॉडी से बाहर में जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है वो साइकेट्रिक या साइकोलॉजी वाला है, और अपने बॉडी में जो यूज होता है वो अपना अपना सेल से रिलेटेड है या अपना इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, अपना बॉडी के अंदर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। अब क्रोनिक स्ट्रेस में जब आप जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म भी अल्टर होता है, ठीक है, और एक तरह से निगेटिव फीडबैक के तरफ अपना बॉडी जाता है, ठीक है, और निगेटिव फीडबैक के तरफ जो जो बॉडी जाता है ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है या वीक होता है। उस टाइम पे आपको कोई भी इन्फेक्शन के में भी कोई चांसेस हो सकता है या अदर इन्फेक्शन होने का रिस्क आपको रहता है, ठीक है। देन है फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है ना। जब आप देखे होंगे कि बोला जाता है कि सुबह की जो हवा होती है, गांव की जो सुबह की हवा होती है वो शहर की दवा से अच्छी होती है, ठीक है। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, योगा करते हैं, जब आप योगा करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, या आप मॉर्निंग में जब जाते हैं तो जो अपना बॉडी का सेल है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब कि फ्रेश एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, जो हमारे बॉडी का सेल होता है वो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन लेने के बाद से वो अपना क्या होता है कि प्रॉपर वो फिजिकली या उसको केमिकली वे में देखें तो वो अच्छा काम करता है एरोबिक, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है, तो भी आपका क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो होगा वो वीक हो सकता है। देन है पुअर हाइजीन, ठीक है, अगर आप साफ सफाई से नहीं रहते हैं तो आपको सीधी सी बात है कि साफ सफाई से नहीं रहेंगे, आपका जो नेल है वो कट नहीं रहेगा, उस टाइम पे क्या होगा, आप खाना खा रहे हैं विदाउट हैंड वॉशिंग आप खाना खा रहे हैं तो क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होगा और इम्यून सिस्टम भी क्या होगा कि कमजोर होगा। देन है एज, ठीक है ना, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है, और बुजुर्गों में भी देखा गया है। छोटे बच्चों में क्यों रहता है, छोटे बच्चों का देखा जाए तो उनका भी बॉडी अभी पूरे तरह से क्या होता है कि डेवलप नहीं रहता है, ठीक है, या उनको क्या होता है कि जो भी उनको न्यूट्रिशन जितना चाहिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उतना प्रॉपर वे में नहीं रहता है, तो छोटे बच्चों को क्या रहता है कि इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस रहता है। या हम देखें ओल्ड एज पर्सन को, तो ओल्ड एज पर्सन में देखना कि आप अगर चार रोटी खा रहे हो तो ओल्ड एज वाला जो दादाजी या दादी उनके चार रोटी नहीं खाएंगे, ठीक है ना, तो उनका क्या होगा कि डाइटिक पैटर्न जो है वो कम हो रहा है तो क्या इन्फेक्शन की उनको ज़्यादा चांसेस होगी, ठीक है ना। ये अभी एक तरह के क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है ना। कोई ऐसी आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना, जहाँ पे क्या हो रहा हो कि ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा हो, या वहाँ से कोई ऐसा टॉक्सिन निकल रहा हो, या फॉर एग्जाम्पल कि अपने हेल्थ केयर वर्कर की भी बात कर लेते हैं, कोई ऐसा है पर्सन जो एक्सरे में रह रहा हो या सीटी स्कैन, जहाँ से क्या है कि वहाँ से क्या हो रहा है कि रेज निकल रही हो, ठीक है, वो अपने बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो सकता है कि अफेक्ट कर सकता है, तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर सकता है कि सप्रेस
कर सकता है या उनको ज्यादा इंफेक्शन होने की चांसेस होगी। देन है सातवें पॉइंट क्या है, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है ना, लैक ऑफ स्लीप स्टूडेंट लाइफ में देखा बहुत कम गया है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को क्या होता है कि हॉबी में से एक सबसे मोस्ट फेवरेबल होता है जो सोना होता है, ठीक है। अब समझते हैं, अगर आप नींद कम लेते हैं उस टाइम पे भी आपको क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है आपको उतना स्ट्रांग या इम्यून सिस्टम जो है वो आपका बूस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर आपको नींद कम से कम कितना लेना है, 7 से 8 आवर्स का लेना है, ठीक है। उसके बाद से समझते हैं क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ठीक है ना। जब भी कोई पर्सन है अगर ज्यादा अगर शराब पी रहा है ना, तो उसके लीवर पे और किडनी पे, मेनली लीवर और किडनी पे क्या करना है कि इस पे इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। कैसे होने वाला है, क्योंकि देखिए लीवर जो है अपने बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म को काम करता है, ठीक है ना। अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म काम करने का काम कौन करता है कि लीवर करता है, ठीक है, लीवर करता है। अब पीने वाला यहां पे दिखे क्रोनिक, मतलब कि बहुत ज्यादा पी रहा है, बहुत दिन से ज्यादा पी रहा है, अब उस पर लीवर पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। लीवर का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि अल्टर होगा, मतलब कि डिस्टर्ब होगा। अब डिस्टर्ब होने के बाद से क्या होगा कि डिस्टर्ब जब होगा तो इम्यून सिस्टम भी कमजोर करेगा और वहां पे क्या होगा कि किडनी पे भी इफेक्ट करेगा। किडनी काम क्या करता है, अपने बॉडी में जितने टॉक्सिन सब्सटेंस है या अपने बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है वो लिक्विड के थ्रू, लिक्विड के जरिए या यूरिन के जरिए क्या होगा कि वो पास आउट करके हमारे बॉडी से क्या होता है कि बाहर भेजने का काम करता है, ठीक है। और उस टाइम पे जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, ठीक है, भयंकर पीने वाले जो है उनको ये लीवर के और किडनी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसमें क्या होगा कि अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तो आप जो हेल्दी डाइट्स नहीं ले पाएंगे, और नहीं ले पाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि अपना इम्यून सिस्टम जो है वो वहाँ पे कमजोर होगा या वहाँ पे डिस्टर्ब होगा। देन है ये हो गया, उसके बाद से है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, इसको समझिए अच्छे से समझिए कंसंट्रेशन लेकर के, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यून मतलब कि आप, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज को मतलब समझिए, कॉम्प्रोमाइज का मतलब कि कॉम्प्रोमाइज कब किया जाता है, ठीक है, जब किसी से लड़ाई हो जाए, क्या हो जाए, जब किसी से लड़ाई हो जाए, अगर आप कमजोर हैं तो क्या करिएगा कि कॉम्प्रोमाइज करिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज करिएगा, ठीक है। अगर आप मजबूत हैं, आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आप क्या चार मारिएगा खींच के, ठीक है, आप क्योंकि वहां पर मजबूत स्थिति में। लेकिन आप कहीं ना कहीं से अगर कमजोर हैं तो क्या करिएगा, उससे आर्गुमेंट करिएगा, पूछिएगा कि क्यों मारे, मतलब कि आप कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करने का या उसको मैनेज करने का आप कोशिश करिएगा। वहीं से ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है वर्ड कॉम्प्रोमाइज का, मतलब कि इम्यून के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, या ऐसी कोई पर्सन जिसको ऐसा कोई डिजीज हुआ हो जिसमें इम्यून सिस्टम है वो क्या हुआ हो, कमजोर हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि HIV, ठीक है, HIV वाले पेशेंट को क्या होता है कि उसमें इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, या इम्यून सिस्टम क्या होता है कि कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इम्यून सिस्टम क्या होता है कि कमजोर होता है, और डे बाय डे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो घटने लगता है। इम्यून सिस्टम में भी मेनली अगर बात करें तो क्या होता है कि ये CD4 सेल्स की काउंट क्या होती है कि वो घटने लगती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के आप समझ गए कि HIV वाला पेशेंट हो तो उनका CD4 सेल्स काउंट हो गया कम होगा, तो उनका इम्यून सिस्टम क्या होगा, डे बाय डे कमजोर होगा, और डे बाय डे कमजोर होगा तो उनका इम्यूनिटी क्या होगा कि कमजोर होगा, और इम्यूनिटी कमजोर होगा तो उनको ये जो इन्फेक्शन है या जो ये बैक्टीरिया वायरस से जो इन्फेक्शन होने वाले हैं वो और ज़्यादा उनको बढ़ जाएंगे और उनको इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहेगा, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है, इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी, ठीक है। यहाँ पे था इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और दूसरा लिख है इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी। थेरेपी मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे थ्यूरोबेटिक इफेक्ट देखने के लिए कुछ ना कुछ ड्रग दी जा रही हो,
या बॉडी के बेनिफिट्स के लिए थेरेपी दी जा रही हो, ठीक है। और कैसी थेरेपी? इम्यूनो और सप्रेसेंट। सप्रेसेंट का मतलब क्या होता है कि सप्रेशन मतलब कि दबाना, किसी चीज को क्या होना कि दबा देना, ठीक है ना। यहां पे था कॉम्प्रोमाइज और यहां पे है सप्रेसेंट। यह क्या था? डिजीज कंडीशन था। डिजीज कंडीशन मतलब कि एचआईवी। और यहां पे थेरेपी का मतलब कि कोई ना कोई यहां पे क्या हो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट। अब समझिए ऐसी क्यों जरूरत पड़ी ऐसी ट्रीटमेंट के कि जो अपना इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा, मतलब कि दबा रहा हो। चलिए इसको समझिए। कोई भी अगर एक पर्सन हो, उसकी ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती है, ठीक है ना। ऑर्गन की क्या होती है? ट्रांसप्लांटेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, इस यहां पर समझते हैं इसको। या कोई क्या है कि कोई पर्सन है, ठीक है। यह क्या है? कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है। इसका ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम, किसके में? इसका हम मान लीजिए कि हम ये कोई, इसका हम किडनी जो है, किडनी क्या है, हम इसके में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है ना। यह पहला पर्सन है, यह दूसरा पर्सन है। इसका किडनी हम इसके में डाल रहे हैं, दूसरे वाले पर्सन में। आपको अभी बताया था कि बाहर की कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल हो जो हमारे बॉडी में जाता हो, तो हमारे बॉडी क्या समझता है कि वो फॉरेन पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझिए। यह पहला पर्सन जो है देने वाला है, ठीक है। क्या देने वाला है? किडनी देने वाला है। इसको क्या करना है कि लेना है। अब समझिए, पहला जो पर्सन होगा इसको किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, इसको ये डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। अब ये डोनेट कर रहा है ना, तो इसके बॉडी में किडनी जो डाला जाएगा, जो फिट किया जाएगा, तो अब समझिए इसकी भी बॉडी, अगर एक कोई यहां पे वायरस आपके बॉडी में जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है कि एक्टिव होता है वायरस को मारने के लिए। और यहां पे क्या है, पूरी की पूरी किडनी ही उसमें दी जा रही है, या कहीं लीवर भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, पूरी क्या होती है 1.5 kg का लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, या पूरी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है ना। अब वहां पे बात करिए, एक वायरस आ रहा था तो हमारे बॉडी एक्टिवेट हो रहा था उसको मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी एक ऑर्गन की, और ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट हो रहा है पूरे उसके बॉडी में, अब समझिए कितना हाई लेवल पे है जो उसका एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन जो उसके बॉडी में डाला गया है, फिट किया गया है, ठीक है, या उसमें ट्रांसप्लांट किया गया है, उसको मारने के लिए कितनी ज्यादा एक्टिव होगी हमारी इम्यून सिस्टम, समझ रहे हैं आप। अब उसको इम्यून सिस्टम इतनी एक्टिव ना हो, उसको सप्रेस करने के लिए क्या दिया जाता है? इम्यून सप्रेशन थेरेपी दी जाती है, ठीक है। क्या दी जाती है? इम्यून सप्रेशन थेरेपी दी जाती है, ठीक है। अब इम्यून सप्रेशन जब थेरेपी दी जाएगी तो उसको इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, और ये जो किडनी दिया गया था, किडनी जो ट्रांसप्लांट किया गया था, वो क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो एडॉप्ट करती जाएगी जो ऑर्गन उसके बॉडी में फिट किया गया था, मतलब कि ट्रांसप्लांट किया गया था, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा कि उसके बॉडी उसके साथ एडॉप्ट हो जाएगा, और आगे चल के क्या होगा कि इसकी जो थेरापेटिक डोज या इफेक्ट, जो इसकी जो ट्रीटमेंट है, उसको धीरे धीरे कम कर दी जाएगी, तो अपना बॉडी जो होगा वो जो किडनी ट्रांसप्लांट मतलब कि जो किडनी उसके बॉडी में डाला गया था, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि फिट हो जाएगा, और फिट होने के बाद से उसकी बॉडी जो प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगेगी, ठीक है। तो इसका पॉइंट था कि ये इम्यूनो सप्रेसेंट को हम क्यों देते हैं, ठीक है। अब समझिए आपने क्या समझा, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन हमने समझा, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस हो, फंगाई हो, या बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करता है। और एंटीजन मतलब कि बाहर की चीजें, और एंटीबॉडी मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो कि हमको प्रोटेक्ट करने वाली है, और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग जो कि इतने सारे जो फैक्टर्स हो अपने बॉडी को या अपने इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकता है कि उसमें फैक्टर्स कर सकता है, उसको सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके और आगे देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक एक करके हम एक एक वीडियो पर हम बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, वीडियो का फीडबैक जरूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।